क्या करा रही हो खुशी? कहाँ जा रही हो प्रेसिंग करा के? दोस्त अपने दोस्त के बर्थडे में, ध्रुव के के बर्थडे दोस्त में, ध्रुव के दोस्त के बर्थडे में, जिसमें कि इसकी फ्रेंड भी मिलेंगी इसको, तो ये जा रही है देवी जी अपने बालों को स्ट्रेट करा के। ओहो, फैशन की ऐसी की तैसी कर रखी है। चलो अच्छी बात है, दिखाते हैं आपको जब ये स्ट्रेट करा लेगी ना, उसके बाद दिखाते हैं। अब हमारा जो ये मेकअप रूम है, इसका बहुत यूज़ किया जा रहा है, इसमें मेकअप भी हो चुके हैं और इसमें वीडियो शूट भी हो चुकी हैं। इसके अंदर खुशी का देखो ये भी चल रहा है, तो ये बहुत काम की जगह है जहाँ पे मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, है ना खुशी? मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। तो आप लोग देख सकते हैं खुशी जा रही है बर्थडे में अपनी फ्रेंड की और करा रही है प्रेसिंग, और मैं यहाँ पे बैठ के देख रही हूँ। और आप लोग पीछे जो ये भगदड़ देख रहे हो ना, इतनी सारी लॉरियनो पर्पल और पता नहीं कहाँ कहाँ के अमेज़ोन, तो ये जितने भी पार्सल आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे वीडियो शूट होनी है इनकी, ये सब PR पैकेज में मुझे रिसीव हुए हैं। और पता है इतनी, मतलब इतना काम पड़ा है ना, ये जो अभी पार्लर सेट वेट करने का और ये सब चीज़ें हुई ना, इसमें इतना ज़्यादा मतलब अफरा तफरी हो गई ना कि मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, किसी को भी टाइम पे वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। देखो बाहर कोई आया है बेटा, तो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। अब मेरा ये रूम भी तैयार हो गया है, बट इस रूम में क्या है, अभी कुछ कुछ काम रह गया है ना, तो मैंने अभी वीडियो शूट वगैरह उद्घाटन तो कर दिया वीडियो का, बट अभी मेरे ये जो जितने भी पार्सल रखे हैं, इनकी किसी का भी कोई काम नहीं हुआ। इनके अंदर बहुत सारा सामान है यार, मेकअप प्रोडक्ट भी हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अब इनकी सबकी वीडियो बनेगी, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है पता है इस काम की वजह से, क्योंकि पता है नीचे काम चल रहा था ना, तो उसकी हथौड़ों की आवाज़ें आती थी, कभी किसी चीज़ की आवाज़ आती थी, तो मैं ऊपर भी काम नहीं कर पाती थी। तो इस वजह से फिर मैंने अपना ये जो रूम बनवाया है, ये मेरा एक तरीके का मेकअप रूम भी है हमारा, यहाँ पे हमारी ब्राइडल वगैरह भी तैयार हुआ करेंगी। और एक हमारा मेरा जो है ये मेरे लिए तैयार भी कराया है मैंने, अपने लिए भी, जिसमें मैं अपनी यूट्यूब की जितनी भी स्किन केयर, हेयर केयर या मेकअप से रिलेटेड या जो भी वीडियो मैं आप लोगों को देती हूँ, वो सभी वीडियो यहीं पर शूट होया करेंगी। तो इसमें लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छे से कराई गई है पूरा, मैं इसका ना आप लोगों को टूर कराऊंगी, इसलिए मैं एक कोने में बैठी हुई हूँ ताकि आपको ये पूरा दिखाई ना दे कि ये कैसा बना है, बट ये बहुत प्यारा बना है। और पार्लर का तो मैं आप लोगों को कराऊंगी अभी कुछ दिन रुक के, अभी कुछ कुछ काम जो रह गया है ना, मैं सोच रही हूँ वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि किस तरीके से हम लोगों ने पार्लर को रेडी कराया। बट अभी थोड़ा 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 काम ना, वो आप लोगों को पता ही है 15-20 दिन लग जाते हैं छुटकर पुटकर काम में, तो वो सब होगा अभी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बट मैंने काम स्टार्ट करा दिया है यहाँ पे, क्योंकि पार्लर इतने दिन तक हम लोग नहीं छोड़ सकते थे इस तरीके से, तो पार्लर का काम जो है वो हमारे पार्लर में बहुत अच्छे से चल रहा है। आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा, और मैं टाइम टू टाइम पे आप लोगों को अपडेट करती भी रहती हूँ कितना हुआ कैसे हुआ। पूरी जर्नी आप लोगों ने हमारी देखी होगी, 10-15 दिन हम लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, और अभी भी हमारा अभी किचन सेट नहीं हुई थी हमारी, मतलब उसकी धुलाई वगैरह चल रही है, फिर आज सेट की है वो, अभी भी उसमें कुछ कुछ काम रह गया है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ना सेट करनी बाकी रह गई हैं, तो वो सारी चीज़ें ना मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। किचन का सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि किचन का जो सामान था ना वो बहुत इधर उधर पड़ा था। तो चलिए फाइनली ये सब कुछ हो जाएगा, ध्रुव भी रेडी हो गया, इधर आओ ध्रुव भी अपने दोस्त की पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, इधर आओ, इधर 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 से दिखाऊंगी। खुशी रेडी हो रही है और ध्रुव भी रेडी हो गया। अल्ले मेरा बेबी, अरे छोनू प्याला लग रहा है। तो ध्रुव भी जा रहा है अपने दोस्त के बर्थडे में और खुशी भी जा रही है, तो दोनों ये लोग रेडी हो गए हैं। पापा ने गिफ्ट ला दी तुम्हारे दोस्त के लिए? ठीक है, तो दोस्त के लिए गिफ्ट भी आ चुकी है। अच्छे से जाना, बिहेव अच्छे से करना, कोई भी बैड हैबिट मत करना। मैं तो वही करती हूँ। हाँ देखो भाई, ये तो बैड हैबिट करते ही नहीं है, ये तो गुड बॉय हैं, और उनसे ज्यादा गुड बॉय हैं वो, है ना, गुड गर्ल। वहां पे कोई गलत होने वाली है ना? बेटा उसके दो भाई बहनें भी हैं, जो वो बॉय है ना उसकी दो बहनें हैं जो इसकी क्लास में पढ़ती हैं खुशी की। अच्छा, ध्रुव का बिल्कुल मन नहीं है खुशी को ले जाने का। हाँ खुशी, तेरे तेरे को लेके जाने का इसका मन नहीं है बिल्कुल भी। मैं टोकूंगी ना बार बार, लेकिन ज्यादा मत टोकना भाई, वो एंजॉय करने के लिए जा रहा है। हाँ वो एंजॉय करने जा रहा है, उसके रूम से जाके वहां पे परेशान मत करना, ठीक है? मैं नहीं जाती, मैं टोक नहीं जाता। अच्छा चलो कोई नहीं, तो चलिए एक साल बाद मिलेंगे, दिखाते हैं आपको और क्या क्या करने वाले हैं आगे। क्यों नहीं दे सकते तुम इस चीज की गारंटी है? एक साल बाद अपने दोस्तों से मिल रहे हो तो बेटा इतनी शैतानी नहीं करना ना, तो ज्यादा शैतान नहीं करना। क्या हुआ, टच हो गई? बहुत खिंच रहे हैं। अच्छा खिंचे तो वो तो बेटा थोड़ा बहुत तो होता है।
चलो देखा कितना लड़कियों का कितना काम होता है, लड़के 2 मिनट में रेडी होके आ गए और लड़की जो है वो देखो जरा कितनी देर में तैयार हो रही है। मुझसे 20 मिनट पहले तैयार हुई थी। कोई बात नहीं, अब दीदी तैयार होके और तुम्हारे साथ जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 6:30, क्योंकि खुशी आज स्कूल जा रही है पहली बार, क्योंकि ना उसके स्कूल ओपन हो गए हैं और उसको आज स्कूल जाना है। डर तो बहुत लग रहा है भेजते हुए, बट कोई नहीं, उसके साथ के सारे फ्रेंड उसके जा रहे हैं, मतलब उसकी जो जितनी भी फ्रेंड है ना वो सब स्कूल जा रही हैं। तो 2 दिन तो हमने भेजा नहीं था, बट फिर यश जाके स्कूल में देख कर आए हैं कि कैसा है स्कूल का माहौल इस टाइम और भेजना सेफ है कि नहीं है। बट यश ने जाके वहाँ पे स्कूल में देखा ना तो सब कुछ बिल्कुल सही था, तो इसलिए आओ इधर आओ ना, इधर आओ इधर आओ। खुशी आज पहली बार स्कूल जा रही है, इधर आओ। मोजा पहना है मैंने अभी, दूसरा पहना। खुशी रेडी होने के लिए जा रही है बस, और फिर स्कूल जाएगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पता है अंदर से ना इतनी देर तेज मेरा दिल धड़क रहा है, क्योंकि ध्रुव का स्कूल नहीं खुलेगा, वो ऑनलाइन ही करेगा अपनी पढ़ाई। बट खुशी क्योंकि 9th में आ गई है, तो 9th 10th 11th 12th के बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं और वहीं पे होगी उनकी पढ़ाई। मैं बच्चों की वजह से उठती हूँ हमेशा इतनी सुबह सुबह, कभी अगर उठती हूँ तो, अदरवाइज अब तो पूरे लॉकडाउन की आदत छूट गई, ये बिल्कुल नहीं उठती थी। अभी मैं खुशी का ना लंच बनाती हूँ और उसको कुछ देती हूँ खाने के लिए, फिर उसके बाद उसकी बस आएगी। तो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं खुशी स्कूल से आ जाएगी ना, उसके बाद भी उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि उसको कैसा लगा स्कूल से आने के बाद, क्या क्या मतलब सुविधाएँ थी वहाँ पर स्कूल में, तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि पता है बच्चों के मामले में यार नहीं बर्दाश्त होती बिल्कुल भी, मतलब पहले तो यश का और मेरा मन ये था कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर नहीं हुआ तो नहीं भेजेंगे बच्चों को, बट स्कूल में जाके बात की ना तो 9th 10th और 11th 12th वाले बच्चे जाएंगे ज़रूर, नहीं तो फिर उनकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हमने सोचा कि चलिए सही है। फिर खुशी के जितने भी दोस्त हैं वो सब जा रहे हैं, तो फिर खुशी ने बोला मम्मा भेजो भेजो। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने ध्यान रखी हैं, सैनिटाइज़र वगैरह हम देकर भेज रहे हैं, मास्क वगैरह वहाँ पे कंपलसरी है, आपको बिल्कुल मास्क हटाना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कल यशवीर जब स्कूल गए थे तो बहुत कुछ देख कर आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। चलो कोई नहीं, बाद में टांगना। पूरा रेडी हो गई है खुशी स्कूल जाने के लिए। कोको चेरी को बाय हो रहा है, अपने चिड़ियों को बाय हो रहा है। क्यों खुशी बाय कर रही हो चिड़ियों को? है ना, अच्छे से रहना, मामा को परेशान नहीं करना। हाँ मम्मी को भी परेशान नहीं करना, इनको भी कह दो ये भी हमें परेशान ना करें। बेटा तुम्हें तो उधर बन जाना है ना, और तुम तो घूस लेके नीचे घुस जाना और तुम्हें खाना मिल जाएगा। अच्छा अभी देख रहे हैं क्या हुआ दीदी को, क्या हुआ? बच्चा नई नई सी फॉर्म में देख रहे हैं ना, और इतनी सुबह सुबह वो भी। चलो आओ पहुंचो तुम, हमारी ओनर तो ऐसी नहीं थी सुबह सुबह उठती। आ गई क्या बस? चलो चले जाओ, बाय बाय। आराम से, अभी कहाँ है ये तो गाड़ी, मुझे लग रहा है इसका हॉर्न बज रहा था।
ऊपर से अभी तो दिखाई नहीं दे रही। गुरु अरे मेरा बेबी भी उठ गया। खुशी नीचे चली गई थी लेकिन फिर वापस आ गई क्योंकि अभी बस आने में बहुत ज्यादा टाइम है उसके, तो मैंने उसको नीचे बुला लिया। तो गौरव तुम स्कूल नहीं जा रहे तो तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे भी स्कूल जाना था। बट बेटा नहीं भेज सकते, क्या करें? मुझे भी स्कूल जाकर पढ़ना था। क्या करना था? पढ़ना था वहां जाके। कोई नहीं, घर पे पढ़ लेना तुम। मुझे भी ऐसे गेम खेलने थे, जाके गेम खेलेंगे। कोई नहीं, लगातार 3 दिन गेम्स पीरियड। आज वैसे भी उसका गेम्स पीरियड ही है और परसों भी है। चलो कोई नहीं, ध्रुव का भी जब स्कूल खुलेगा ध्रुव को भी भेजेंगे। आज खुशी दीदी बताएंगी कि उनको कैसा लगा, और आज उनकी बस का टाइम भी हम लोगों को पक्का पता चल जाएगा किस टाइम पर आया करेगी। अभी तो बहुत टाइम है बस में, और वो नीचे जाके खड़ी हो गई। ये देखो जरा गाइस, बस जानी नहीं चाहिए, यहाँ से गई तो पूरी बेइज्जती होगी। नहीं, क्यों हो जाएगी बेइज्जती? सब ले लिया ना तुमने अपना खाने पीने का सब? ध्रुव को टॉफी दिया, ध्रुव टॉफी मिल गई सुबह सुबह। अरे दीदी ट्रीट दे के जा रही है। अब तुम्हारी क्लासेस किस टाइम से स्टार्ट होंगी ऑनलाइन? 8 बजे से ना। चलो हाँ, तुम अपना काम करना। तो ध्रुव की चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, खुशी जाएगी स्कूल। और कितना अच्छा सनराइज है, खुशी इसमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ओ बदतमीज, सन क्यों नहीं दिखाई दे रहा खुशी? ये बंदर हटेगा तभी। पता है यहाँ पे सन है, यहाँ पे ए कहाँ पे, यहाँ पे ये मेरी उंगली के पीछे सन है। और इतनी अच्छी धूप यहाँ पे पड़ रही है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रहा, देखो कम कम दिखाई दे। अरे अरे हाँ हाँ दिखाई दिया, हाँ 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 दिखाई दिया। तो देखो आप लोग देख सकते हो, ये है सनराइज हो रहा है और बहुत ही सुंदर सन निकल रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है ना। कितनी अच्छी सी धूप है ना, लाइटिंग ज्यादा कर लेना आप कभी देखा मुझे काली। नहीं नहीं, नहीं काली वाली नहीं लग रही। ध्रुव के ऊपर भी धूप पड़ रही है। सुबह सुबह विटामिन डी लो, है ना ध्रुव? सुबह सुबह विटामिन डी लेनी चाहिए। खुशी अपने चेरू और कोको से बातें करने पे लगी पड़ी है। ध्रुव उनको बाहर खाना दे दिया, उनसे बातें कर रही है, कह रही है मम्मी को और ध्रुव को परेशान नहीं करना, ये वो है ना। वो परेशान करेंगे तो उनकी पिट्टी पिट्टी कर दोगे? नहीं, खुशी नहीं होगी तो पिट्टी पिट्टी नहीं करना। हाँ ये कितनी अच्छी धूप निकल गई ध्रुव। खुशी कितनी अच्छी धूप निकल गई, जाओ देखो। चेरू क्या हो गया? ये भी उठी हुई देख रही है। हाय मेरी बस आई। हाँ आपकी बस आई चेरू, आपकी बस आई। अरे मेरा बच्चा, मेरा सोना सा बच्चा। और ये इतना बोलते हैं सुबह सुबह, देखो उधर से कोई और बोल रहा है और इधर से कोई और बोल रहा है। कहाँ गए? हाय पाजी, देखो कितना खेलते हैं। मैंने जो टॉय टांगा है ना उससे उसके दाने निकाल निकाल के। ये जो च च ये इनकी है तो आवाज है। उसने बोला लाइक सब्सक्राइब और उसने बोला शेयर, वो सब कुछ कर दो। हाँ क्या हुआ डकी? हाँ आले आले आले। अब इनके पहले वाले पैरेट पता नहीं कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे, बट जहाँ पे भी होंगे ना बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। और ईगल वगैरह नहीं खाता गाइस, ये बर्ड्स हैं और बर्ड्स को पता रहता है। बर्ड्स को पता रहता है कि कैसे रहना है कैसे नहीं रहना। और वैसे ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब चलाक तो नहीं कह सकती, पर बहुत ज़्यादा फुर्तीली टाइप की हैं, तो इनको तो वैसे भी रहता होगा। और जो बर्ड्स उड़ती हैं उनको कुछ नहीं होता होगा। फिर देखो क्यूटी से पैरेट मेरे, बर्ड्स बर्ड्स हैं, चाहे जो जो भी हो, जिसके नेचर में जो लिखा है वो है। देखो इनके नेचर में क्या रखा है, कम्बल बेकार करना। कोको नहीं बेटा, गाजर है साइड में, तू धागे खा रहा है। कम्बल के धागे खाते रहते हैं हमारे जो, अगर हम लोग इन्हें रूम में रखे हैं तो जो कारपेट हैं उनके झुन झुन करके धागे निकाल के वो खाते हैं बदतमीज। और गाजर और पत्ते रखे रहते हैं साइड में ना, वो नहीं खाना। जो ईटेबल चीज़ नहीं है वो ही खानी है। मम्मी और
बाथरूम इंतजार में बेकार हो गए। कहाँ हो आप? हमारी बेटी स्कूल जा रही है। मैं स्कूल जा रही हूँ। तो खुशी स्कूल चली गई है ना? गई। और अब जब वो आ जाएगी तब हम आप लोगों को मिलवाएंगे कि उसका आज का जो दिन है ना वो कैसा रहा स्कूल में। और ध्रुव रहेगा मेरे पास और ध्रुव अपनी ऑनलाइन क्लास करेगा अभी, क्योंकि उसकी 8 बजे से स्टार्ट होता है ना, तो उसकी 8 बजे से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो अभी वो अपना ऑनलाइन क्लास करेगा। क्या अच्छा लग रहा है दीदी स्कूल चली गई तुम रह गए हैं बेबी? क्या अच्छा लग रहा है? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, जब तक तुम्हारा स्कूल नहीं खुलेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। ध्रुव को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि खुशी और ध्रुव दोनों जाते थे एक साथ और अब ओनली फॉर खुशी गई है, ध्रुव घर पर रह गया। चलो उन लोगों तो आप लोगों को मिलवाते हैं जब खुशी आएगी ना, उसके बाद आप लोगों को खुशी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि फर्स्ट डे उसका स्कूल का कैसा रहा। दिल में मेरे बहुत दुगर पुकर हो रही है, बट कोई नहीं, क्या करें, सब कुछ जरूरी है। चलिए